शासन के निर्देश पर वैश्विक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल तक के निजी विद्यालय को बंद कराए जाने की कार्रवाई को लेकर तत्काल रोके जाने तथा पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर स्कूलों के मान्यता लेने हेतु 2 वर्ष का समय दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर 11 दिनों से नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरनारत उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जेल भरो आंदोलन की तरफ रुख कर दिया है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उनको नगर निगम परिसर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों और शिक्षकों में नोकझोंक भी हुई। इस दौरान एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार ने शिक्षकों को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शिक्षक अपनी गिरफ्तारी देने के जिद पर अड़े रहे, जिसको देखते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंच गए और शिक्षकों को नगर निगम परिसर में ही रोक दिया। इस दौरान एसडीएम सदर ने शिक्षकों को उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया तथा नगर निगम परिसर को ही जेल घोषित करते हुए आंदोलनकारी शिक्षकों की गिरफ्तारी की घोषणा की तथा मुचलके पर सभी को रिहा कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर और संघ के संस्थापक अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्र ने कहा, कहां चले? हम प्रबंधक कहां चले? आज का हमारा कार्यक्रम जेल और उसी कार्यक्रम के तहत मैं वहाँ पे जाऊँगा और जेल जाने का मैं लोगों से आग्रह करूँगा। बस वो आप बताइए, कलेक्टर मैं डीएम साहब के ही तरफ से यहाँ आया हूँ, आपको जो परेशानी मुझे बताइए, मैं एसडीएम सदर हूँ यहाँ पर, ठीक है? उन्होंने मुझे आदेश दिया है, आपको जो बात सुन लीजिए, या तो पहले बात अपनी कहिए। देखिए आज भी यहाँ सब लोग कार्यक्रम में व्यस्त है, जिलाधिकारी महोदय का भी आना वो नहीं था, वो इसलिए मुझे भेजा है, आप सीओ सिटी साहब है, मैं एसडीएम सदर हूँ यहाँ पर, आपको जो भी अपनी बात वहाँ देनी है वो आप बात हमें यहाँ दीजिए। कहेंगे वैसे हम चलेंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कानून का पालन करते हुए चलेंगे, लेकिन हमारा कार्यक्रम वही का बना हुआ है, इसलिए वहाँ चल करके ही मैं आपको जितनी अपेक्षा रखते हैं उतनी बिल्कुल सर रख सकते हैं, अनुशासित वर्ग आप होते हैं, लेकिन ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट हैज नो हियर टू हियर द ग्रीवांसेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, गवर्नमेंट के पास कान नहीं है, हम लोगों की बातों को सुन नहीं रहा है, तो आखिर हम लोग यह विरोध पर क्यों उतरे? इसलिए कि सरकार को हम लोगों को प्रजातांत्रिक तरीके से जो हमें विरोध करने का अधिकार है वो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई और हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो यह प्रबंधक कहाँ जाएंगे? आपने मांग पत्र तो बनाया है अपना, तो वो ही मैं बताइए, उसके बाद पूरा आश्वासन उसी के लिए हम आए हैं। थोड़ा सा देखिए, ऐसा होता है कोर्ट जहाँ पीटर सिंह बैठते हैं वहाँ कोर्ट चलती है, यही नियम है सुप्रीम कोर्ट, मान्य सुप्रीम कोर्ट का यही नियम है। जब मैं खुद यहाँ आ गया हूँ वहाँ से उठ के अपने सीओ साहब को साथ में लेकर आया हूँ, कैसे आप जाएंगे वैसे जाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं जी कि हम लोगों के गिरफ्तार के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? गिरफ्तारी देखिए ऐसा है, उद्देश्य आपका कार्रवाई से गिरफ्तार का उद्देश्य थोड़ी है, उद्देश्य गिरफ्तार से नहीं, जब हम उद्देश्य कार्रवाई का है ना, एक मिनट सर, जो जरिया बता रहे हैं वो जरिया आपकी इन्हीं मांग के लिए तो है, हम इस पर कार्रवाई कराएंगे, हम लोगों को कैसे विश्वास हो कि इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि 11 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी या तो सरकार के कोई ऐसे मतलब अथॉरिटी जो सुप्रीम अथॉरिटी हो जो हम लोगों की पीड़ा को सुने, हमारे ग्रीवांसेस को सुने, आज तक हम लोगों के पास नहीं, तो यह हम लोगों की मजबूरी हो गई कि आज हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य हो गए, यह प्रशासन ने बाध्य किया, सरकार ने बाध्य किया और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न के खिलाफ यह विद्रोह है। मैं
अभियान पूरा होता है। जैसे हम लोग अभी यही कह रहे हैं, पुलिस फोर्स होती है नगर निगम में ही, यहीं पे आज फोर्स रोकेंगे, नगर निगम में फोर्स रोक रही है ये बता रही है। अगर जेल जाने से आपका समाधान हो जाएगा, हम जेल में चलते हैं आपके साथ में, अगर आपको ये लगता है कि जेल चलने से समाधान हो जाएगा तो चलिए फिर हम भी चलते हैं। समाधान चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान है। ये धरना ये तो सब संसाधन है, ये जरिए है जाने के, अगर हमें आसान जरिया मिल रहा है समाधान अपनाएंगे। लोग आए हैं बाहर से, हम आपके हमको कोई अधिकारी मिले अच्छा। ये देखिए वो तो सही, लेकिन यह है कि फंडामेंटल राइट्स वो हम लोग क्या कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, सब तो रोजगार दे रहे हैं, जो मौलिक अधिकार कर रहे हैं। अरे सपोर्ट करते हैं तो चीज़ को फॉलो किया जाएगा, ये प्रयास किया जाएगा कि जो
उसके आधार पे हमें एक निर्णय लेके इस चीज़ को अपनाने को मिला। लेकिन एक मीटिंग का करते हैं जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर सकते हैं, वहाँ से वो फ्री हो जाएंगे बात, तो उनसे एक समय अपनी गिरफ्तारी देंगे तो उसके लिए आपके पास में सुनकर ये जो आपका नगर निगम परिसर है इसको अस्थाई कारागार के रूप में परिवर्तित करते हुए आपकी एक सांकेतिक गिरफ्तारी ली जा रही है और आपको निजी मुचलके पे छोड़ दिया जा रहा है। के द्वारा मांग की जा रही थी कि जो कुछ विद्यालयों पर स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है या उनकी मान्यता रद्द करने के लिए उनको नोटिस दिया गया है उसके बारे में एक निर्णय लिया जाए, तो इनको बताया गया है कि जो एक कमेटी बनाई गई है इसके लिए कमेटी के सामने ये बात रखी जाएगी, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ में वार्ता करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा और जो भी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो डिसाइड करे, कमेटी निर्धारित करेगी जो प्रक्रिया अपनाकर इसका समाधान निकाला जाएगा कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को कम समस्या का समाधान निकालता है। गिरफ्तारी भी की गई है इन लोगों की? हाँ, इन लोगों जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं इनके द्वारा मांग की गई थी कि हमें आज जेल भरो आंदोलन के रूप में ये लोग आए थे कि हमें जेल में रखा जाए, तो ये जो नगर निगम का परिसर है इसको अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित करते हुए एक सांकेतिक गिरफ्तारी की गई है और निजी मुचलके पर सब कुछ छोड़ दिया है। देखो, इन्होंने जो समय समय पर निर्देश जारी हो रहे हैं और कमेटी भी शासन के निर्देश अनुसार ही कार्य करेगी, तो वहाँ से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आठवीं कक्षा तक जो निजी और बिना मान्यता विद्यालय हैं उनको प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से बंद करा करके 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा रही है और बंद की कार्रवाई पुलिस फोर्स लेकर के कर रही है। यह बंद वाली कार्रवाई तुरंत रोका जाए और मान्यता लेने के लिए पड़ोसी राज्य बिहार की तरह हम लोगों को भी 2 साल का कम से कम मौका मिले और मानकों को भी सरल बनाए। इस बात को लेकर के 11 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। 11 दिनों तक हम लोगों की समस्या के समाधान पर कोई विचार नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए आज के दिन हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। लगभग 500 प्रबंधक केवल गोरखपुर जनपद के यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं। जब हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार और डीएम और एलआईयू को जो सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार यहाँ से जा रहे थे कलेक्ट्रेट अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो पुलिस हम लोगों को रोक ली। प्रशासन आपको गिरफ्तार की कि नहीं? उनका ये कहना है कि इसी कैंपस को अस्थाई जेल के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया है, आप लिस्ट दीजिए कौन कौन से लोग गिरफ्तार होंगे, उनको मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई।